हम लोग 35 मिनट। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें ड्राई करेंगे। हेयर स्पा भी नहीं करती हूँ। सर्च कली तापर गोटे रूम पाखे मुझे जाई था तो बाकी से सीटिंग होली जो पूरा बंद था आ बंद कल भी कली तो सी कह अलग जगह सालून टाइम ट्रांसफर हो जा तो तेणुकि दी तीन दिन पर जाकर सर्विस देवे तो मुझे पुणी बैक जाइए पुणी आउ थे देख ली तो आमर गोटे फिशेक अच्छी जो आम राजधानी कलेज पाखे अच्छे डोमिनेंस पाखे तो सही आसी ये फर्स्ट टाइम सर्विस नापी चाहूँ मुझे आखिर केमी कौन सर्विस प्रोवाइड कर तो यहाँ तो स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नुह कहीं मोड़ ही करूँ वीडियो कहीं मो हेयर पूरा पूरा डैमेज हो मुझे हेयर स्पा मुझे हेयर ट्रीटमेंट कैनि बिल्कुल भी बट मत नाप हेयर ट्रीटमेंट नापी पड़ो गए कौन पर मो हेयरफल होने जिते बी शैंपू करते बाकी बात बहुत ही ज्यादा होयर फल हो तीन दिन जिते शैंपू करें मुझे बाहर को बुलाई जाऊँ तो रिटर्न कला मुझे मानते पूरे ड्राई हो गलानी हाँ कौन कहि तो एमती मैं हेस्पा करने आज आसेक यहाँ आसी देखा कौन केमी सर्विस प्रोवाइड कर देखा तो ये आसवा पूर्व ना मुझे कल करी कल करी तो सी मत कह प्राइस के अच्छी तो सी कह 699 नौ कहीं अफर चलती तो देखा मुझ फर्स्ट टाइम विजिट करनी है कमी कौन अफर चलती तो आज का वीडियो ना पूरा हिंदी में ही बनेगा एंड इसका रीजन भी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है विशेष का इंटीरियर और मैं आफ्टरनून के टाइम पर आई थी तो यहाँ पर इतने लोग नहीं थे और मेरी हेयर ट्रीटमेंट भी ये प्यारी सी गुड्डी करेंगे। तो यहाँ पे मैं तो आई थी हेयर स्पा करने के लिए बट इन्होंने मुझे हेयर के हिसाब से बोला कि अच्छा रहेगा कि केराटिन अच्छा रहेगा तो मैं अभी केराटिन करने वाली हूँ। अभी हेयर स्मूथनिंग में बहुत सारा जैसे प्रोसेस रहता है इसमें भी है मतलब कितना सारा प्रोसेस नहीं उसमें उतना नहीं रहता लेकिन रहता है ये कि अभी जैसे क्रीम लगेगा आपको फिर उसको रखेंगे हम लोग 35 मिनट। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें ड्राई करेंगे आयरन करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ। टाइम लगता है ना, मुझे ऐसा लगता था कि स्मूथनिंग और जो केराटिन है सेम प्रोसेस है वो केराटिन है। अच्छा, तो पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हेयर वॉश का वो हो गया है और वो अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने हेयर को। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था हेयर को अच्छे से वॉश करना जो कि ये मेरी हेयर को अच्छे से वॉश कर चुके हैं एंड सेकेंड स्टेप में ये मेरी हेयर को छोटे छोटे सेक्शन में पार्टीशन कर रहे हैं जैसे कि वो मेरी हेयर में अच्छे से क्रीम लगा पाएंगे एंड इसके लिए भी ना कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। मैं हेयर स्पा भी नहीं करती हूँ लास्ट टाइम बहुत पहले की थी तो अभी इस टाइम मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है। जो क्रीजीनेस ड्राइनेस होता है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। केराटिन हमारा जो हेयर होता है ना जब निकलता है यार स्कैल्प से देखना उसके नीचे व्हाइट कलर है वो केराटिन होता है। अच्छा, हमारा हेयर बना है केराटिन। हाँ, लेकिन जब स्कैल्प से निकल के बाहर आ जाए हाँ, तो वो डेड हो जाता है हेयर। अच्छा, हमारा होता है डेड सेल्स। तो जो लेंथ का जो हेयर है इसमें जब मतलब ड्राइनेस आता है केमिकल खत्म होता है तो ये खुद से पैदा नहीं कर पाता इसलिए इसमें प्रोटीन डालना पड़ता है। अगर नहीं डालोगे तो ड्राइनेस आएगा आगे से टूटेगा हेयर ब्रेकेज होगा स्टिफनेस आएगा। टूट तो रहा था बहुत ज्यादा ही और ड्राइनेस की वजह से कम भी नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब बीच से टूट रहा था हेयर उसी को जब हेयर में प्रोटीन खत्म हो जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म हो जाता है तो कम लगते ही आधे से टूट जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा क्रीम जो लगा रही थी वो अच्छे से लगा लिया मेरी पूरी हेयर में एंड अभी इसको हम इसको कवर कर दिया है इसको और ये रहेगा अभी 35 मिनट तक ऐसे ही। फिर उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे एंड उसको थोड़ा
उनका क्या प्रोसेस रहता है वो मुझे पता नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। एंड इनका अच्छी बात मुझे ये लगा कि इनका एक वीसी का ना इनका एक पर्सनल एप्लीकेशन भी है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर 1000 रुपीज़ सीधा डायरेक्ट वॉलेट पे आ जाता है। और इसका हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको सर्विस लेना हो तो वो जाके आप इनका वीसी कोई भी आप सैलून पे जाके ना आप क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी सर्विस लेने से उसका 200-300 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। ये अच्छा लगा तो मैं भी आज करने वाली हूँ। और मुझे पता नहीं था, पहले भी मैं तो कर चुकी, पहले की थी मैं वीसी का कटक में था, एक कोलाब्रेशन की थी तो उसमें भी पता नहीं उस टाइम ये वाला एप्लीकेशन था या नहीं, उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं था। बट इधर आके मैंने पूछा इन लोगों से तो मुझे अभी पता चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे छोड़ के वो चले गए हैं, बोल दिए कि मैम आप फ़ोन चलाते रहिए। और अभी 35 मिनट तक मैं क्या करूँगी यार, फ़ोन तो चलाऊँगी बट फ़ोन में चार्ज होना चाहिए। मैं ऐसे ही चली आई थी क्योंकि मुझे ज़रूरत था कि मैं हेयर स्पा करके आऊँ, तो मैं ऐसे ही रूम के पास था तो ये मैं चली आई। ऐसा मूड भी नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं फ़ोन पे बस 30% चार्ज था तो उसमें ही मैं काम चला। यहाँ पे आई तो मुझे ब्लॉग बनाने का मन किया, तो अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं फ़ोन क्यों चार्ज पे लगा के नहीं आई थी। अब आधा घंटा मैं क्या करूँगी आई डोंट नो, बट मुझे ना फ़ोन का चार्ज बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है क्योंकि नहीं तो ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी मैं। और मैं पता नहीं कैसे लग रही हूँ, ये तो मुझे जो होता है ना जो हॉस्पिटल में जैसे सर्जन होते हैं नर्स, ऐसे सर्जरी करने से पहले ऐसे होते हैं इनका जो कस्ट्यूम होता है उससे ऐसा ही मुझे फील आ रहा है। एंड ड्रेस भी देखो मेरी ऐसे ही सेम टू सेम वो पहन के आई हूँ। वैसे मुझे तो करना था हेयर कट भी करना था बट वो आज मैं नहीं करने वाली हूँ, नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद मैं जब हेयर वॉश के लिए यहाँ पे आऊँगी तो उस दिन करूँगी। मैं इनको मैं उनके साथ बात कर चुकी हूँ कि मैं अब मेरी हेयर लेंथ के हिसाब से वो अच्छे से कट कर देंगे। वैसे तो मैं करती हूँ हमेशा हेयर कट करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी हिसाब से हेयर के हिसाब से वो अच्छा लगता है एंड मेरी लुक भी अच्छा रहता है उसमें। तो अभी भी मैं उस टाइप्स का ही करने वाली हूँ, बस ये देखना बाकी है कि मेरी लेंथ के हिसाब से वो कैसे वॉल्यूम जो होता है ना वो कैसे मतलब मैनेज करते हैं, वो कैसा लुक देते हैं मुझे, कट कैसा दे रहे हैं। तो अभी ना यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है एंड ऑफ़र में ना अभी हेयर स्पा का तो प्राइस 699 था एनी लेंथ का। एंड अभी जो केराटिन का ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं उसका भी प्राइस है 2500 रुपया और ये भी एनी लेंथ का ही है। तो आप कोई भी आपके पास में अगर भी स्टेज का है कोई भी यूनिसेक्स सैलून तो आप उधर जाके अपना कुछ सर्विस ले सकते हो। तो मैं ना अभी थोड़ा डर रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं की हूँ, केमिकल वाला कुछ भी। मैं अपने हेयर में बस नेचुरल में अपने तरफ से जो कुछ भी होता है हेयर का वही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा डर रही हूँ इसलिए कि उसके बाद मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आगे भी मैं यहाँ पे आऊँगी ज़रूर और सर्विस लूँगी मैं। और मज़े की बात ये है कि मैं यहाँ पे तो आई थी ओडिया में ब्लॉग स्टार्ट करके, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ओडिया में आगे नहीं जाएगा ब्लॉग। और यहाँ पे ये जो थे ना ये इनका जो है वो हिंदी में ही बात कर रहे थे तो हिंदी में ही मुझे अभी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है गाइस, थोड़ा सपोर्ट करना गाइस। और ये टाइम क्यों नहीं निकल रहा यार, इतना टाइम है, मैं आधा घंटा क्या कर रही हूँ या पानी भी पी लिया मैंने और फ़ोन भी चला नहीं सकती तो क्या ही करूँ, मैं खुद का एंटरटेनमेंट कैसे करूँ, मैं तो बोर हो रही हूँ। और वो भी चले गए, उनका क्या पता नहीं वो कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ काम है। तो उधर उनका बहुत बड़ा पार्लर है ना तो इधर उधर बहुत कुछ है उनका, मतलब पता नहीं कौन कौन सा सर्विस अलग अलग सा है रूम। एंड मैं ना वैसे भी भिखारी जैसा बन के आ गई थी क्योंकि मेरे रूम के पास में ही है ये, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बस नॉर्मल ड्रेस पहन के ऐसा आ गई थी, चलो थोड़ा मुझे करना था तो हेयर स्पा तो आ गई थी। ऐसे भिखारी जैसा कुछ देख सकते हो, मेरी शक्ल भी देख सकते हो कैसे लग रही हूँ मैं। तो अभी हमारा टाइम हो गया, अभी थर्ड प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख सकते हो आप लोग अभी क्या करेंगे, अभी ड्राई करेंगे, अभी ड्राई करेंगे हेयर को। सो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ मैं अपने हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करती थी एंड मुझे नेचुरल हेयर ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बट मैं बहुत ज़्यादा बाहर घूमती रहती हूँ और उधर का भी एनवायरनमेंट के वजह से पोल्यूशन डस्ट के वजह से ना मेरी हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया केराटिन के, और केराटिन के बारे में भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस मुझे पता था केराटिन ट्रीटमेंट होता है। वैसे तो मैं 3 साल पहले स्मूदनिंग करी थी अपने हेयर में, उस टाइम मेरी हेयर भी बहुत लॉन्ग था तो मुझे पर्सनली एक शौक था कि मैं हेयर में स्मूदनिंग करूं और अच्छा लगे। बट
बाद में ना मुझे ऐसा फील हुआ कि केमिकल ट्रीटमेंट के वजह से ना मेरी हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया एंड इतना केयर भी मैं नहीं कर पाई थी एंड बिकॉज ऑफ दिस ना मुझे अपने हेयर भी शॉर्ट करना पड़ा बाद में एंड 2 ईयर में अभी मेरा हेयर ना फिर से ग्रो किया है अभी अच्छे से और अभी मैं बिल्कुल भी अपने हेयर ना ख़राब नहीं करने वाली हूँ। तो मुझे एक अच्छा सा ट्रीटमेंट चाहिए था और वो अभी मैं करवा लिया हूँ केराटिन का। फिर भी आई होप कि मुझे बाद में रिग्रेट करना ना पड़े पहले की तरह, क्योंकि मैं अपनी बालों में कुछ करने से पहले ना 10 बार नहीं 100 बार सोचती हूँ। बट फिर भी ना मैं अपने हेयर के लिए रिस्क लेने चाह रही हूँ। अभी मुझे हेयर कट करवाना है और हेयर कट जब भी मैं करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं हेयर कट करूँ या नहीं करूँ। मैं अपनी हेयर कट ना लास्ट 6 मंथ पहले करी थी और आपने मेरी वीडियो भी यूट्यूब पे देखा होगा। और कितना टाइम लगेगा? जो स्मूथनिंग में भी ऐसा ही होता है ना, वाश के बाद। अभी हमारा फाइनल जो हेयर ट्रीटमेंट था वो ख़त्म हो चुका है एंड बहुत ही अच्छे से वो किए है मेरी ध्यान से। तो फाइनली मेरी हेयर ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है और अभी मैं रिटर्न कर रही हूँ। और हेयर थोड़ा चिपकू चिपकू जो दिख रहा है वो जैसे कि बोले कि हेयर वाश के बाद ये साइन आएगा एंड ये तो मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं है क्योंकि और ये है बस केराटिन वाला ट्रीटमेंट है। जो इसमें क्या होगा ना, ये मेरी हेयर स्मूथ रहेगा, 3 मंथ तक स्टे करेगा एंड उसके बाद भी मेरा हेयर ना स्मूथ ही लगेगा और ये स्ट्रेट जो दिख रहा है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल मेरा हेयर है ना वही टेक्सचर आ जाएगा। एंड मुझे तो वैसे भी ना स्ट्रेट हेयर पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल जो नेचुरल लुक है ना वही पसंद है। तो मेरी हेयर जितना वेवी वेवी रहेगा वो मुझे उतना अच्छा लगता है। बट फिर भी ना मुझे उनका सर्विस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वो लोग फ्रेंडली थे, जैसे कि फ्रेंड लोगों के साथ हम अपने जो भी हमें चाहिए जैसा कुछ उस हिसाब से हम उनको बता सकते हैं हमें कौन से टाइप का किस तरह का सर्विस चाहिए उस टाइप का हम सर्विस ले सकते हैं। एंड फाइनली ओवरऑल अगर मैं बोलूँगी तो मेरी फाइनल जो था मेरी एक्सपीरियंस जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आउट ऑफ 10 ना मैं 9 दूँगी और बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड की है, जितना उतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। मैं आई थी किस तरीके से, मैं एकदम सभीकारी जैसे कि मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि मैं ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ है, मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आना पड़ेगा। तो गाइस अभी मुझे जाना पड़ेगा रूम एंड बाकी का बहुत कुछ काम है मुझे। तो फाइनली अभी मैं नेक्स्ट जो जिस दिन आऊँगी यहाँ पे उस टाइम मैं वीडियो बनाऊँगी, तो हो सकता है इस वीडियो के साथ मैं उसको एडजस्ट कर दूँगी, नहीं तो हो सकता है उसका अलग भी एक वीडियो आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।